कि अगर गरीब से जब काम कराना होता है तो उसके सामने हाथ जोड़ा जाता है कि आपके बिना हमारा काम रुक रहा है, हमारा वाउचर नहीं बन रहा, हमारा बिल पास नहीं हो रहा है। महोदय जी, अब काम कराने के बाद में ये देखिए सर, हम लोगों को सड़क में छोड़ दिया गया है। हम लोग बोलना चाहूँगा ये राजस्थान सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, अगर हमारा पेमेंट नहीं होता सर तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं और इस कलेक्टर के सामने फांसी लगा लेंगे सर। Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. सर, सबसे बड़ी बात तो बोलना चाहूँगा, मीडिया चाहे मेरी बात को मजाक में ले ले और चाहे हमारे जो अधिकारी हैं मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात के, उस बात को मजाक में ले ले सर, अलग चीज़ है। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आज अधिकारियों से कि अगर गरीब से जब काम कराना होता है तो उसके सामने हाथ जोड़ा जाता है कि आपके बिना हमारा काम रुक रहा है, हमारा वाउचर नहीं बन रहा, हमारा बिल पास नहीं हो रहा है। महोदय जी, अब काम कराने के बाद में ये देखिए सर, हम लोगों को सड़क में छोड़ दिया गया है। हम लोग 35-32 आदमी हैं सर जी। हम लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग सर उमरिया जिले एमपी के रहने वाले हैं। महोदय जी, हम लोग अब किस तरह से परेशानी आ रही है सर? हमको परेशानी इतनी बड़ी परेशानी आ रही है सर, हम लोग परसों से, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक भैया आए थे, खाना इनको खिला करके गए हैं सर जी। हम लोगों में से अभी कोई खाना नहीं खाया हुआ है और ना कोई पूछने वाला कि तुम लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ काम किए, कहाँ धाम किए। और जो अफसर यहाँ आते हैं वो धमकी देते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ सर, 2 दिन बाद होली का त्यौहार है, लोग दारू पी के हमारे डेरे में आएंगे, अगर कोई हमारे बाल बच्चे लेडीज या जेंट्स में कोई हमला होता है सर, उसकी जवाबदारी वो ठेकेदार को और हमारे कलेक्टर साहब को और जो कि डीपो साहब को, अगर वो जवाबदारी ले लें तो सर हमको जंगल में छोड़ दें, हम जंगल में रहने के लिए तैयार हैं। नहीं तो सर, हमारा धरना रखा हुआ है, हम लोग, हमको चाहे चटनी बना दो सर रोड में, हम लोग यहाँ से छोड़ के सर जाने वाले नहीं हैं। कहाँ पर दे दो धरना? हम यही देंगे सर, कलेक्ट्रेट में धरना, यही रोड बंद कर देंगे सर जी। अभी चढ़ा दो गाड़ी, मार डालो जान से, क्या करेंगे? सुबह आप मिल रहे तो क्या बोला? सुबह हम मिले तो महोदय साहब बोले कि आप डिपो के पास जाओ बेटा, उनका तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। उनको मैं बोल दिया हूँ, सिग्नेचर कर दिया, फाइल दे दिया। हम लोग जब वहाँ गए तो हम लोगों से वो कागज़ ले लिया गया और कई 2-4 लोगों को वहाँ बुलाया गया जो अधिकारी लोग थे, उनके द्वारा सर हम लोगों को सब गाड़ी गलौज किया गया। गाड़ी गलौज करने के बाद में मोबाइल छीने झपटी किया सर, मान लो सर कहते हैं ठीक हमने काम किया सर, क्या चोरी किया है? कोई वीडियो बना ले लाख भर का सर, हम अपने बाद में कायम है, क्या प्रॉब्लम है सर? हमारा भाई वीडियो बना रहा सर, उनका 14-15 हज़ार का मोबाइल अप्पो का सर उन्होंने छीन लिया। उस मोबाइल में सिर्फ कुछ रिकार्ड पात्र, गाड़ी का लाइसेंस वगैरह या कुछ पैसा दाम 20,500 रुपया डाला हुआ है सर, है ना? नाम बताइए सर। मेरा नाम सुदर्शन लोनी है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा ये राजस्थान सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, अगर हमारा पेमेंट नहीं होता सर तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं और इस कलेक्टर के सामने फांसी लगा लेंगे सर। ये सर कोई कहने की बात नहीं है सर, अभी रस्सी लेके खंभे में चढ़ जाना पड़ेगा, जान चली जाएगी ना, लेकिन पेमेंट लेंगे सर जी। जब तक जान है जब तक जहान है सर, जान नहीं तो कुछ नहीं सर जी। नाम बताइए आपका। मेरा नाम सर सुदर्शन लोनी, ग्राम पोर्ट खलौन, थाना इंदवार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश। जंगल फॉरेस्ट में सर हम काम कर रहे थे और उसका हम पेमेंट लेना चाहे, निशेरा बंद रहता और उसका हम पेमेंट मांग रहे हैं सर। और सुबह से 4 रोज से तो पहले भूखे मर रहे हैं, हम कल उससे 5 बजे पैसा मांगे हैं सर, तो वो बोलता है कहाँ पैसा, दाम कहाँ है, कुछ अपनी जान बचा के हम यहाँ भगाएं कलेक्ट्रेट के सामने। आप कलेक्ट्रेट के सामने अपना जो अर्जी सुनाए वो बोले जाओ डीओफो रंज, डीओफो गए वहाँ, आए हैं ठेकेदार आए हैं और भी कर्मचारी हैं जो वहाँ के रेंजर हैं और जो कुछ भी हैं, वो हम अपने में बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग कर रहे थे सर, तो मोबाइल छड़ा के रख लिए हैं और बोलते हैं जो जो करना हो तो कर लो सर। हम 35 आदमी हैं सर, काम करने वाले, हमारी मजदूरी दी जाए, यही हमारी विनती है कि हमारी महीने की मजदूरी है तुम्हारी? हमारा 1 माह हो गया मजदूरी करते और एक मजदूरी से नहीं, हमारा ठेका से काम है, जो जितना काम करता है उसको उतना पेमेंट दिया जा, बोल रहा था कि रोज का पेमेंट शाम के लेना, फिर 2-4 दिन बाद बोला 8 दिन बाद लेना, अब फिर बोल रहा है कुछ है ही नहीं है, तुम कौन हो, कहाँ के, हम तुमको पहचान ही नहीं रहे हैं, इस तरह वो बोल रहा है सर। नाम बताइए आपका। मेरा नाम सत्यवती लोनी है।